प्रभु के दर्शन कभी निष्फल नहीं जाते। बोलिए आप जोर से बोलिए। दोनों आवेश में थे, अंधा भी गुस्से में था और लंगड़ा भी गुस्से में था। और याद रखना, गुस्सा जब आता है आदमी को तब वह अंधा बन जाता है, बहरा बन जाता है। आदमी चार प्रकार के अंधे होते हैं, एक क्रोध में, फिर मां है बाप है कौन है पता नहीं रहता, नंबर टू मोह में। हम जैन होकर के हमारी घर की लड़की यदि कोई विधर्मी के पीछे पागल बन जाए तो समझ लेना हमारी लड़की अंधी हो चुकी है, मोहांत। और भगवान के शासन के बड़े बड़े पर्व आते, उस दिन भी यदि हम दुकान जाना ना छोड़े, संवत्सरी के दिन भी दुकान चालू, तो उसे कौन सा अंध कहा जाता है? लोभान। और चौथा एक अंधा है जो जन्म से अंधा, बाय बर्थ जो ब्लाइंड होते हैं उसे जन्मांध कहते हैं। जन्मांध, लोभांध, मोहांध और क्रोधांध। या अंधा और लंगड़ा दोनों क्रोधांध थे, और क्रोध में जब अंधा हो जाता है तब उसे पता नहीं चलता है कि मैं क्या करूं। भगवान ने कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान को ऐसा था, अंधा कहेगा कि मुझे आंख दे दो, लंगड़ा कहेगा कि मुझे पांव दे दो। हो गया उल्टा। अंधे को जब पूछा गया क्या चाहिए, उसने कहा ये लंगड़ा है ना उसे अंधा बना। अब लंगड़े को बोला कि तुझे क्या चाहिए, वो अंधा है ना उसे लंगड़ा बना। आई बात समझ में? जब क्रोध में जब अंध हो जाते दोनों मिलकर के फुल्ली कंप्लीट हो सकते हैं, लेकिन आदमी जब अंधा हो जाता है क्रोध में तो कंप्लीट तो नहीं, अपाहिज। जो 50% था 100% अपाहिज, अज्ञान। मानस जरे अज्ञानी हो त्यारे जने क्रोध सतावे, त्यारे जने लोभ सतावे, त्यारे जने मोह सतावे। आ जगत ना दरेक दोषो नो मूल जो कोई होय तो अज्ञान। मराठीत मस्त मन आए अज्ञानाचे भस्म करावे। जब जब होम और हवन होता है उसमें से जब भस्म निकलती है, यह भस्म दूसरा कुछ नहीं है अज्ञान की भस्म है, ज्ञान की ज्योति। और हमारा अज्ञान को वहां भस्मीभूत किया जाए। उपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने लिखा, जीवन में यदि सद्गुण चाहिए तो सबसे पहला गुण संज्ञान का, चेतन ज्ञान अजवा। पहले ज्ञान लाओ। विशेषावश भाष्य में लिखा, नानम पया सगर, संज्ञान व प्रकाश करता है। घर की जब सफाई होती है महिलाओं से पूछो, आप तो कभी नहीं करते हो, करते हैं लेकिन हम बोलेंगे नहीं, नहीं घर की भी करते हैं। दिवाली में ऊपर कौन चढ़ता है? हम चढ़ते नहीं है, वो लोग हमें चढ़ा देते हैं। जाओ माड़िया ऊपर जाने बता बाबा बाजिया छे ना नीचे उतार। जल्दी से शुरू हो चुका है थिएटर में कितने जल्दी पहुंचते, आधा घंटा एडवांस। नाम पया सगम, घर की सफाई करनी है तो झाड़ू बाद में, पहले क्या करेंगी? महिलाओं से पूछो, सबसे पहले अंधेरा होगा तो क्या करेगी? लाइट करेगी। स्विच ऑन होते ही जितने भी जीव जंतु घर में होंगे ना सब दौड़ा दौड़ी करेंगे। डिट्टो इसी तरह भीतर में जब ज्ञान का अजवाला होता है तो अंदर में रहे हुए काम क्रोध लोभ मद मोह हर्ष वगैरह सभी दोष अफड़ा तफड़ी मच जाएगी, सब आप जाएंगे। हर जगह में शास्त्र के अंदर लिखा गया है कि ज्ञान महान है। हम बोलते हैं रत्नत्रयी में कौन से तीन रत्न है? तीन रत्न का नाम बोलिए, दर्शन, गुड। इसमें बीच में कौन है? और जो बीच में होते उसे क्या कहा जाता है?
मूल नायक हमारे यहाँ शांतिनाथ भगवान है, एक और आदिनाथ है और एक और जीरावला है, बराबर। हमारे संघ के जो तीन भगवान है तो मूल नायक कौन, क्यों? वो बीच में, जो बीच में होते हैं उसे मूल नायक कहा जाता है। दर्शन ज्ञान और चारित्र में बीच में कौन है? और ज्ञान ही मूल नायक। ज्ञान होगा दर्शन, ज्ञान होगा तो ही चारित्र की कीमत है। ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, सम्यक दर्शन भी ज्यादा नहीं रहेगा, सम्यक चारित्र भी लंबा नहीं टिकेगा। दोनों को टिकाना है, किसको टिकाना पड़ेगा? और इसीलिए यह ज्ञान, शुद्ध ज्ञान हमें भगवान से प्राप्ति हुई।